तो सूर्य और केतु के कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा नवम भाव तक पूरी हो चुकी है। अब देखेंगे मेष लगन के दशम भाव में अगर सूर्य और केतु की युति बन रही हो तो ये युति से आपको क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे और यहाँ सूर्य दिग्बली होते हैं। ऐसे में सूर्य यहाँ आपकी कुंडली में पावरफुल ज़रूर होने चाहिए। अगर सूर्य पावरफुल नहीं होंगे और यहाँ केतु का अगर प्रभाव ज़्यादा रहा तो आप या तो अपना करियर गलत चुन लेंगे, और अगर गलत भी नहीं चुनेंगे तो बाद में हो सकता है कि आपको करियर को शिफ्ट करना पड़े, अलग अलग आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह करियर को चेंज करना पड़े, अपने वर्क प्लेस को चेंज करना पड़े, आपको विदेश जाना पड़े, या विदेश भी नहीं जा रहे हैं तो आप कहीं दूसरी जगह आपको शिफ्ट होना पड़ेगा अपने करियर की वजह से बार बार। तो करियर में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आपको मेजर रूप से आएगा और जितना आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, उससे आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही एक अजीब सी स्थिति है। अब सूर्य क्योंकि पांचवें भाव के भी स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से अब आप जो भी निर्णय लेंगे आपके करियर को लेकर वो गलत हो सकते हैं, या आप कॉन्फिडेंस वाइज बहुत ही कम कॉन्फिडेंस वाले हो सकते हैं अपने करियर को लेकर, आप अपने बॉस को फेस करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस कर सकते हैं, ये सब दिक्कतें आपको आएंगी। सूर्य के यहाँ बलि होते हुए निश्चित रूप से ही आप अपने करियर में एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर होगा या फिर आपको जॉब बदलने की आदत सी पड़ जाएगी। यहाँ पे मोस्टली अब इस बात के चांसेस अधिक हैं कि जातक या तो विदेश यात्रा करता रहेगा बार बार, या वो विदेश में सेटल रहेगा, तो आपको बहुत सारे व्यवधान, बहुत सारी बाधाओं से गुजरना पड़ेगा, आपको ये सब हैंडल करना पड़ेगा। आपके बहुत बार ऐसा होगा जब बॉस साथ नहीं दे रहे, आपके कलीग्स आपका साथ नहीं दे रहे, हर कोई आपके अगेंस्ट होता जा रहा है, या जो परिस्थितियां हैं वहाँ की वो आपके अगेंस्ट होती जा रही हैं, आपके ऑफिस में काम करने के लायक माहौल नहीं है अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको जो कमी है वो अवश्य ही दिखेगी। और इसको लेकर अगर आप मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अगर बना लेंगे तो ज़रूर आप उस स्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। कभी कभी जातक बहुत ही जल्दी गिव अप कर देगा और अपने जॉब से इवन वो जल्दी रिटायरमेंट भी ले लेगा। तो ऐसे कंडीशन में एक करियर को लेकर हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास सब कुछ, सारे क्वालिफिकेशन होते हुए भी आपको करियर में वो सब नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हैं, और आप अपने जो गोल हैं उनसे भटक भी सकते हैं। अब सूर्य क्योंकि पिता को दर्शाते हैं तो पिता के साथ आपके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फेस आ सकती है आपको कभी कभी। इसके साथ साथ आप अपने घर से दूर हो सकते हैं, तो घर वालों के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर दिक्कत आ सकती है। साथ साथ में अपने आप को आप बहुत ही प्रभावी तरीके से अपने करियर में पेश नहीं कर सकेंगे किसी के भी सामने। तो जो करियर को लेकर एक नाम आपका बनना चाहिए पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी की वजह से जाना जाता है, या कोई प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर होने की वजह से जाना जाता है, उसी प्रकार से आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे, भले ही आप इंजीनियर हैं, भले आप डॉक्टर हैं, कोई भी प्रोफेशन में आप हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको उतना अधिक नहीं जाना जाएगा। तो ये आपको एक दिक्कत आती है, और यहाँ केतु हमेशा आपको रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। बार बार आपको जॉब चेंज करने की इच्छा होती रहेगी, भले ही आपको जॉब कितना भी अच्छा मिले। इसके अलावा आपके जॉब को लेकर आपके घर वालों के साथ अक्सर डिस्प्यूट होते रहेंगे, अक्सर अपने माता पिता के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा अनबन रहेगी। तो ये स्थिति आपके डोमेस्टिक लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगी, और क्योंकि राहु आपके फोर्थ हाउस में स्थित होते हैं, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के होंगे और घर परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होंगे। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन का करियर में सामना करना पड़ सकता है। अब अगर इस कंजक्शन से चंद्रमा प्रभावित हो रहे हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा मानसिक स्थिति को लेकर ये स्थिति उतनी अच्छी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे खुद को हमेशा आपको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसी स्थितियाँ या ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना चाहिए। यहाँ पर अब आपको सूर्य को बल देना चाहिए ज़रूर। हालांकि अब इन दोनों का डिस्पोजिटर है वो शनि है, तो शनि को भी आपको ज़रूर देखना है शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। शनि अगर अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो निश्चित रूप से ही आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी हार्डवर्क करेंगे, वो आपके काम जरूर आएगा। भले ही वो थोड़ा सा आपको डिले से काम आए, लेकिन काम अवश्य आएगा। लेकिन यहाँ केतु स्थित होते हुए कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, ब्लाइंडली कोई भी फैसला ना करें, गुस्से में आके या ईगो में आके कोई भी फैसला ना करें। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप अच्छे से पेश आएँ, भले ही वो आपका बॉस हो चाहे आपके वो कलीग हो, तो तभी आप इस स्थिति को सुधार सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये जो समस्याएं हैं, अनस्टेबिलिटी है,
करियर को लेकर असंतुष्टि है, ये सब लगा ही रहेगा।